इजाज़त दी गई है। इसमें 60 करोड़ रुपया पहले लग चुका है, ये लगभग 177 करोड़ की योजना है। इसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। नीमच बाईपास ये बहुत सालों से लंबित था और बहुत आवश्यक भी है मालवा के लिए, क्योंकि वहाँ 4 लेन 8 लेन बन रही है, पर नीमच शहर में से काफ़ी ट्रैफिक जाता था। तो ये ट्रैफिक, नीमच शहर का ट्रैफिक को ठीक करने के लिए, नीमच शहर का प्रेशर कम करने के लिए नीमच बाईपास का निर्माण किया गया है। ये किया जाएगा, ये 21 किलोमीटर का होगा और इसमें लगभग 111 करोड़ रुपए की लागत होगी। ये भी आज स्वीकृत कर दिया गया है। अशोकनगर जिले में शाडोरा में करीला माता का मंदिर है, जहाँ पर बहुत बड़ा मेला रंगपंचमी पर लगता है। लगभग 20 से 25 लाख लोग वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं। यह लगभग 54 किलोमीटर, लगभग 55 किलोमीटर लंबाई का है। इसमें लगभग 135 करोड़ की संभावना होगी। ये भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। एक नया रोड ग्रीन फील्ड पर बनाने का, सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन को जोड़ने वाली सभी सड़कों को, जो 2 लेन है उनको 4 लेन कर रहे हैं और जो 4 लेन है उनको 6 लेन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसी संभावना चौड़ाई की, वो सब करने का काम। जैसे पिछली बार आपको ध्यान ही होगा, मैंने इंदौर उज्जैन रोड जो 4 लेन है उसको 6 लेन करने का निर्णय लिया गया था। आज फिर उज्जैन जावरा रोड जो 4 लेन बिल्कुल नई सड़क बन रही है, ग्रीन फील्ड पर बनेगी। यह लगभग इसकी परियोजना की लागत है 5000 करोड़ रुपया। इससे सड़क के बाद फिर वहाँ पर उस पूरे इलाके के अंदर एक कमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्र भी बनाने की योजना है। अपने आप बन जाता है, जहाँ पर सड़क निर्माण होती है वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ चालू हो जाती है। तो यह रोड तो सिर्फ 500 करोड़ का, पर मुझे लगता है कि मोर देन 50,000 करोड़ के वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएंगे, जिससे कि बहुत अच्छा प्राइवेट नहीं, सड़क तो 5000 करोड़ की है। अच्छा 500 करोड़ 5000 करोड़ की है। और लगभग इसमें मुझे लगता है कि आसपास जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी वो 50,000 से 1,00,000 करोड़ के आसपास की होना चाहिए। इतना इसका कमर्शियल एरिया इस क्षेत्र के अंदर बढ़ेगा। एक ये बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत जो प्राध्यापक है उनको 6वें वेतनमान स्कीम के अनुरूप AGP रुपये 10,000 रुपये दिए जाने की घोषणा आज निर्णय लिया गया है। वास्तव में जब इन प्राध्यापकों को 10,000 रुपये अतिरिक्त 6वें वेतनमान का मिल जाएगा, जिससे इनका अपग्रेडेशन हो जाएगा और ये अपने अंडर में के विद्यार्थियों को PhD भी करवा सकते हैं। तो अभी जो प्रोफेसर्स PhD करा रहे हैं उनकी संख्या कम है, उनके पास बहुत वर्कलोड होगा, पर ये जब लगभग मेरा ख्याल है इसमें 2000 ऐसे प्रोफेसर होंगे जिसको इसका लाभ मिलेगा। तो 2000 प्रोफेसर्स ऐसे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर जो PhD कराने के लिए अधिकृत हो जाएंगे, जिससे हमारे यहाँ PhD करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी। इनको ये भी फायदा है कि ये आगे कुलगुरु बनने की योग्यता भी इनको मिल जाएगी। प्रदेश में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, प्रदेश में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना। लगभग इसमें सरकार इन्वेस्टमेंट करने वाले को ज़मीन उपलब्ध कराएगी, ज़मीन का जो भी कलेक्टर रेट होगा उसके अनुसार उसको राशि देना पड़ेगी और लगभग उसमें वैसे ऐसा माना जाता है कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो लगभग 500 करोड़ का खर्चा आता है, पर उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो इन्वेस्टर का, इसलिए जिला अस्पताल हम उसी को दे देंगे। तो जिसे अस्पताल बनाने की ज़रूरत नहीं, उसको मेडिकल कॉलेज से ही उसका काम चल जाएगा। उसमें शर्त यह डाली गई कि अभी मेडिकल कॉलेज, अभी जिला अस्पताल में जितना स्टाफ है उसकी सैलरी वो प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर जब हॉस्पिटल बन जाएगा और मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो उसमें 75% बेड सिर्फ गरीबों को देना पड़ेंगे, 25% वो कमर्शियल उसका यूज़ कर सकेंगे। तो
ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल सर्विस दोनों ही मध्य प्रदेश में अच्छी हो, और इसके लिए बहुत लगभग इस पे हमारी 1 घंटे चर्चा हुई, और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। सर, कभी जिला अस्पतालों में कुछ चिन्ह ऐसा है कि जहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज सरकार चाहती है कि हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल कंपलसरी होता है, हॉस्पिटल कंपलसरी होता है तो वो हॉस्पिटल, अभी हमारे पास हर ज़िले के अंदर जिला अस्पताल हैं, वो हम हॉस्पिटल उसको दे देंगे जिससे उसका इन्वेस्टमेंट कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा कर सके।